ओके नाउ नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है इसमें हम क्लस्टर्स बनाते हैं जैसे कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमने स्ट्राटा बनाए थे एक स्ट्राटा दूसरे स्ट्राटा से होमोजेनियस होना चाहिए था ऐसे ही हम यहाँ पे क्लस्टर्स बनाते हैं लेकिन यहाँ पे होमोजेनिटी वाला फैक्टर नहीं होता जरूरी नहीं है कि एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के साथ होमोजेनियस हो तो क्लस्टर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ये भी याद रखिएगा इसलिए हम इसको पता है एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं हम इसको एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एरिया सैंपलिंग हम कौन से को बोलते हैं पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया देन फ्रॉम ईच सिलेक्टेड सैंपलिंग पॉपुलेशन एलिमेंट इज ड्रॉन बाय आइदर रैंडम सिलेक्शन और स्ट्रटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अब पहला स्टेप क्या है यहाँ पे पहले स्टेप में आपने क्लस्टर्स बनाए हैं आपने एक एरिया के क्लस्टर्स बना दिए छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दिए आपने ओके ताकि इजी हो जाए हमारा काम अब जरूरी यहाँ पे ये नहीं है कि एक क्लस्टर, क्लस्टर, से, सिमिलर हो। लेकिन अब इस क्लस्टर में से आप क्या करोगे आप यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग लगाते हो? फिर लगाते हो और सैम्पलिंग के थ्रू आप इन क्लस्टर्स में से क्या डिराइव करते हो स्ट्राटासि जो की फिर एक दूसरे से होमोजेनियस होंगे और उसके बाद यू डू अड ऑफ रेंडम सिलेक्शन फ्रॉम दी स्ट्राटाज विच इज Uh, uh, again, a kind of uh, probability sampling. I hope this is clear. Uh, तो जहा पे की पॉपुलेशन बहुत वाइड स्प्रेड है बहुत ज्यादा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर आप मल्टी स्टेट सैंपलिंग लगाते हैं और मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज अप्रोप्रिएट वेर दॉपुलेशन कैटर्ड ओवर अ वाइडर एरिया ये मैंने बता दिया आपको तो पंचायत सिस्टम और ये तो इसमें क्या है कि आप मल्टी uh, स्टेज का मतलब क्या है कि एक बार आपने एक एरिया में की उसके बाद आपने फिर दोबारा जाके उसके जो दूसरा आपने एक छोटा एरिया बनाया था उसमें से उसमें फिर आपने सैम्पलिंग की फिर उसमें से जो आपने डिराइव किया था उसमें से फिर आपने सैंपलिंग की ऐसे मल्टी स्टेज सैंपलिंग की है आपने ये रहा जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पहले आपने इंडिया पूरा देखा फिर आप क्या स्टडी कर रहे हो पंचायत सिस्टम इन विलेज स्टडी कर रहे हो तो पहले आप इंडिया देखोगे इंडिया में फिर आप ज़ोन्स देखोगे कितने ज़ोन्स हैं ज़ोन से फिर आप स्टेट्स पे आओगे कितने स्टेट्स हैं फिर आप उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ोगे एक स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ोगे उस एक डिस्ट्रिक्ट के एक ब्लॉक को आप रीड करोगे और फिर आप उसमें से तीन विलेजेस को निकालोगे जो कि आपके सैंपल्स हैं नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्चर को जहां से लगेगा कि मेरे को डेटा कलेक्ट आराम से हो जाएगा मैं आराम से इन लोगों से इंटरव्यू अपना कंडक्ट करा सकता हूं तो मतलब एज अ नेम सजेस्ट कि ये काइंड ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग है अच्छा इसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी नो no, नो no, इसको नहीं बोलते जजमेंट सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग विच इज प्योरली बेस्ड ऑन आर कन्वीनियंस और कन्वीनियंस ऑफ अ रिसर्च तो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इज ओनली वे आउट ऑफ बिकॉज ऑफ रीजन दैट ये शायद यहाँ पे गलती से आ गया है ये पार्ट नहीं है इसका ये इसका पार्ट होगा

कुछ प्रोपोर्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक डाइवर्स एलिमेंट में से कुछ प्रोपोर्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रैंडमनेस या प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर था वो हमने एक्सक्लूड कर दिया और हम biasness ले आए क्योंकि हम बाइसनेशन बना दे रहे हैं तो जैसे कि कोटा दिया जाता है हमारे जो एग्जाम्स uh, होते हैं कॉम्पिटेटिव उनमें कोटा सिंप कोटा प्रोसीजर है हम सबको पता है तो दिस इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग वेयर इज वेर दे लाइक रिसर्चर्स डू

इज uh, एक सबसे बड़ा वर्ड है यहाँ पे जो आपको याद रखना है सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड होती है मतलब uh, कोई आपको डेटा तब देगा इसको हम रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं रेफरल रेफरल बोलते हैं मतलब एक पर्सन से आपने डायरेक्ट डेटा करेक्ट किया उसी पर्सन ने आपको फिर आगे डायरेक्ट किया कि आप उनके पास जाइए वहां से डेटा आप ले सकते हो उसी की रेफरेंस से आप अगले बंदे के पास गए तो दिस वे गोज ऑन ओके सो देश यूज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेंसिटिव टॉपिक

प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ थिंग सो बेसिकली ऐसी के लिए ऐसे रिसर्चेस के लिए सैंपलिंग यूज होती है जिसमें कि स्नो बॉल काइंड ऑफ सैंपलिंग इसलिए बोला गया है इसको कि एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को आप ऐसे जाते हो तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशल सैंपलिंग सिचुएशन लाइक गेटिंग सैंपल ऑफ ड्रग अब्यूजर्स और एल्कोहलिक्स और पिक पॉकेटर्स तो इनसे डेटा कलेक्शन इतना ईजी नहीं होता अब ये डिफरेंस है दोनों के बीच में uh, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच में इसको आप एक बार देख लेना थिंग्स विल बी मोर क्लियर ओके okay, तो अब फोर्थ स्टेप है हमारा रिसर्च डिजाइन हमारा बन चुका है अब हम कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत सारे सोर्सेज हैं जब आप एप्लीकेशन ऑफ इन आईसीटी पढ़ोगे इसी का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है उसमें आप पढ़ोगे कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन टूल्स ओके तो ऐसे ही बहुत सारा डेटा होता है प्राइमरी डेटा होता है सेकेंडरी डेटा होता है तो बहुत सारे सोर्सेस है डेटा कलेक्शन के तो वो एक अलग और बहुत वाइड टॉपिक है ठीक है जो कि अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड किया डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम फोर सोर्स पहला है पीपल को लोगों को जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं इन द द एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट टू रिसर्चर अकर वेयर पीपल आर गोइंग अबाउट विद एवरीडे तो अगर हम जैसे क्वान्टिटिव रिसर्च मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कर रहे हैं तो अगर हम ट्राइबल पीपल के ऊपर स्टडी करेंगे तो हमें ट्राइब्स में जाके रहना पड़ेगा हमें जाके वहां पे

What, what methods you are using और like try आपका type of data क्या है primary है secondary है क्या आप tertiary है आप newspapers se से ले रहे हो se से ले रहे हो या फिर ke लोगों से खुद ले रहे हो वो चीज डिपेंड करती है और फॉर्म्स तो है ही क्वालिटेटिव और quantitative जिसको हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है उसके बाद अगेन टूल्स होते हैं कुछ जैसे जिनसे हम एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं ओके okay? तो हम एनालाइज करते हैं डेटा को एनालिसिस uh, डेटा के लिए बहुत सारे टूल्स हैं एस पी एस एस एम और uh, बहुत सारे टेस्ट हम लगाते हैं स्क्वायर काोवा और टी टेस्ट जेड टेस्ट तो ये सब आपका नहीं है पार्ट सिलेबस का अब इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं अब जब तक हम रिपोर्ट राइटिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी स्टडी को कंप्लीट नहीं माना जाता क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं हम ऐसे रिसर्चर्स तक पहुंचाते हैं जो हमारे फील्ड में स्टडी कर रहे हैं उनको नॉलेज देने के लिए तो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप तो विदाउट रिपोर्ट राइटिंग योर स्टेप्स ऑफ रिसर्च आर नॉट कंप्लीट और योर रिसर्च इज नॉट कंप्लीट तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट है आपके रिसर्च का ओके okay, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है रिपोर्ट राइटिंग में आपको इसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हो तो वेट अ मिनट आई शो यू अ मैथड्स ऑफ स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग तो ये एक पीडीएफ है इसमें आपने लिख लेना है ये कहीं पे मैं आपके साथ ये पीडीएफ वैसे शेयर कर दूंगी तो इसमें लेआउट ऑफ रिसो रिसर्च रिपोर्ट है मतलब हम रिपोर्ट uh, राइटिंग का क्या फॉर्मेट होगा ये आपसे पूछा, आप पूछा जा सकता है आपके पेपर में एज फार एज यूजीसी नेट इज कंसर्न आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला है प्रीमिलरी पेजेस तो प्रीमिलरी पेजेस में हम क्या करेंगे द रिपोर्ट शुड अ टाइटल एंड डेट फॉलोड बाय एक्नोलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रिफेस तो पहले हम इसमें क्या क्या लिखेंगे प्रीमिलरी पेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं एक्नोलेजमेंट आता है आपका टाइटल आता है आपका उसमें आप डेट भी लिखते हो ठीक है तो ये सब आपसे पूछा जाता है जैसा आपका पेपर मतलब जो आपके पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से टेलिंग यू मेन टेक्स्ट होता है उसके बाद मेन टेक्स्ट कंप्राइज कंप्लीट आउटलाइन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट विद ऑल डिटेल्स आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक कि आपने कैसे कैसे काम किया कैसे कैसे आपने स्टार्टिंग की क्या आपकी मोटिवेशन थी उसके बाद हाउ यू एनालाइज्ड योर थिंग्स एंड देन यू कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम होम एंड देन लाइक ऐसे आप एक मेन टेक्स्ट लिखोगे एक समरी काइंड ऑफ थिंग लिखोगे फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने टॉपिक को कि आपका टॉपिक क्या है किस चीज से रिलेटेड है सारी वेरिएबल्स जितने भी आपके होंगे

क्या फाइंडिंग्स आप नहीं कर पाए हो क्या लिमिटेशन रह गई है आपकी स्टडी की जो की जा सकती है फिर फ्यूचर डायरेक्शन क्या है आपकी स्टडी के वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो अपनी स्टडी के रिजल्ट आप बताते हो उसके इम्प्लीकेशन आप यहाँ पे बताते हो क्लियरली और प्रिसाइजली फिर समरी आप बताते हैं एंड देन एंड मैटर तो ये है आपका पूरा रिसर्च रिपोर्ट का एक प्रोसेस ओके सो आई होप दिस इज क्लियर आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू पीपल ओके थैंक यू वेरी मच